दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट हो चुका है। अगर इस वक्त आप क्रिकेट न्यूज का चैनल बना लेते हैं बिना चेहरा दिखाए ही तो कितना फायदा हो सकता है इससे आप सभी समझ सकते हैं। लेकिन कुछ क्रिएटर इस बात से डरते हैं कि उनको कॉपीराइट इशू आ जाएगा किसी भी तरह का। तो आज मैं आपको एक ऐसा शॉर्ट चैनल आइडिया देने वाला हूँ जिससे आपको कॉपीराइट इशू कभी भी नहीं आएगा, और बहुत ही सिंपल वे में आपको बताऊंगा कि आपको क्रिकेट न्यूज़ के लिए कॉन्टैक्ट कहाँ से लेना है और जो वीडियोज़ के लिए कॉपीराइट फ्री इमेजेस चाहिए वो आपको कहाँ से लेनी है। तो दोस्तों सोचिए मत, आज से ही बना लीजिए ऐसा चैनल, क्योंकि ट्रेंडिंग टॉपिक पर बहुत सारे चैनल बूस्ट हुए हैं जो आज के टाइम में अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको इस कॉन्टैक्ट के लिए एक नया चैनल बनाना है, उस पर ही ये क्रिकेट रिलेटेड वीडियो अपलोड करनी है। तो चलिए पहले आप ये जान लीजिए कि आपको कॉन्टैक्ट कहाँ से मिलेगा। तो उसके लिए आपको गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर आकर आपको सर्च बॉक्स में सर्च करना है टुडे न्यूज़ क्रिकेट हिंदी, ठीक है। तो आपको इस तरीके से सर्च कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं पहले इसको डेस्कटॉप साइट पर लॉगिन कर लेता हूँ ऊपर 3 डॉट पर क्लिक कर। तो चलिए ये सब मैंने कर लिया है। उसके बाद देखो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी, तो आप किसी भी वेबसाइट पर क्लिक कर न्यूज़ रिकवर कर सकते हो। तो जैसा कि मैं यहाँ पर आज तक वाली वेबसाइट पर क्लिक कर लेता हूँ, तो मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस आ चुका है। तो देखिए यहाँ पर जो भी मैच चल रहा है उसके रिलेटेड जो भी न्यूज़ होगी वो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी डेली बाय डेली। तो जैसा कि यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए नीचे आप हिंदी में रीड कर लीजिए, इसी को ही आपको कॉपी करना है। तो जैसा कि नीचे भी लिखा हुआ है मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसी को ही हमें वॉइस ओवर करना है। आपके शॉर्ट चैनल के लिए ये काफ़ी है, थोड़ा बहुत आप अपने शब्दों में इसको चेंज कर दीजिए। तो जैसा कि मैंने इसको कॉपी कर लिया है और मैं कहीं पेस्ट कर लूँगा, इसी को ही वॉइस ओवर करना है। यहाँ ऊपर भी लिखा हुआ है इस मैच के बारे में, आपको इसी को ही वॉइस ओवर करना है, ठीक है। तो अब आपको क्रिकेट फ्री इमेज जो होती है वो आपको कॉपीराइट फ्री कहाँ से मिलेंगी, उसके लिए आपको प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है इमेज सर्च मैन, तो आपको इस तरीके से लिख लेना है इमेज सर्च मैन। तो जैसा कि मैंने इसको पहले से इंस्टॉल कर रखा है, अब आपको ध्यान से देख लेना, इस ऐप का लोगो देख लीजिए, नेम देख लीजिए, तो इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से मैं इसको ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ सर्च बॉक्स पर क्लिक कर लेते हैं, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्रिकेट इमेजेस, ठीक है, क्रिकेट प्लेयर इमेजेस भी लिख सकते हैं आप। जैसा कि मैंने यहाँ पर क्रिकेट इमेज लिखा हुआ है, तो यहाँ पर बहुत सारी क्रिकेट के रिलेटेड आपको फोटोज मिल जाएंगी। तो अब आपको ध्यान ये रखना है कि आपको यहाँ से कौन सी इमेजेस डाउनलोड नहीं करनी। देखिए जिस इमेज पर किसी भी तरह का वाटरमार्क होगा या किसी कंपनी का लोगो होगा उसको आपको डाउनलोड नहीं करना, विदाउट वाटरमार्क इमेज ही डाउनलोड करनी है। जैसा कि मैं यहाँ पर एक इमेज पर क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पर देखिए किसी भी तरह का लोगो या वाटरमार्क नहीं है, इसको मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ, ये मेरे फ़ोन की गैलरी में डाउनलोड हो गई है। तो आप इस तरीके से 5-7 इमेजेस को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और आपकी अच्छी खासी एक वीडियो बन जाएगी क्रिकेट न्यूज़ के रिलेटेड। आपको जो भी न्यूज़ देनी है उसी के रिलेटेड यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेनी है। तो दोस्तों क्रिकेट न्यूज़ के लिए कॉन्टैक्ट भी आपको मिल गया और कॉपीराइट फ्री इमेजेस भी, तो बना लीजिए एक शॉर्ट चैनल अभी से ही। तो उम्मीद करता हूँ कि जितना मैंने आपको बताया वो आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। अगर आपको ये शॉर्ट चैनल आइडिया अच्छा लगा तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।